बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CA619 प्रोजेक्ट सिलेक्शन टाइम क्या होगा और डेट कौन सी होगी, तो ये एक नई अनाउंसमेंट आई है आपके प्रोजेक्ट सिलेक्शन के अंदर। तो मेरा फर्ज बनता है आपको गाइड कर दूं। अगर हमने खुद से देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और देखते रहें अनाउंसमेंट्स को, लाजमी देखते रहें। तो मैं आपको एक प्रॉपर मैसेज देना चाह रहा हूँ, तमाम तालबे इल्म इस बात को जहन नशीन कर लें, प्रोजेक्ट सिलेक्शन 20 मई रात 12 बजे शुरू होगी। 12:00 पे आप स्टार्ट करें, तो आप तमाम तालबे इल्म 19 की रात को 11:55 पर अपना नेट, लैपटॉप, बैटरी, UPS हर चीज़ ओके करके बैठें, क्योंकि गेम जो होती है ना ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन की, ये आधा घंटा 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाती है। वैसे तो पूरा हफ्ता होता है, 10 दिन होते हैं सिलेक्शन के, लेकिन जिन लोगों ने सेलेक्ट करना है वो क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हो जाता है, तो आप लोग रह जाएंगे, सोना नहीं है। आपने 19 मई को जिस दिन कोर्स सिलेक्शन ख़त्म होगी, तो उसी दिन मतलब कल जो है वो आपने 19 मई की रात 11:55 पे आपने हर हाल में जाग रहे होना, इंटरनेट ऑन होना चाहिए, LMS पे लॉगिन होना चाहिए, रिफ्रेश करके बैठे। आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा, जो रिफ्रेश होगा, वो आपकी CA619 को जब टैब जो है वो असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उसके अंदर एक लिस्ट आएगी, बार बार अपडेट होगी, तो उस पर मैं आसान प्रोजेक्ट पे एक दफ़ा फिर बात करूँगा कि मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर देख लें। ये अनाउंसमेंट आपकी आई हुई है, डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल बिगेन फ्रॉम 20th मई। तो 20th मई रात 12 बजे शुरू हो जाती है, मे 2022 आफ्टर क्लोजिंग द क्लोजर सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन जैसे ही बंद होगी, यानी 19 मई को रात 12 बजे बंद होगी, तो 20 मई को 12 बजे पूरे आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। आई होप सो, मेरे पैनिक सिचुएशन आप समझ सकते हैं, टाइम नहीं होगा। तो ये मैंने PHP के प्रोजेक्ट की सिलेक्शन आपके लिए सामने रखी है। आप ऑनलाइन मेडिकल हर्बल स्टोर, जो कि बहुत आसान प्रोजेक्ट है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ऑनलाइन बस रिजर्वेशन एंड टिकटिंग सिस्टम, अगर ट्रैकिंग है तो फिर नहीं, मैं नहीं कहता। अलमास शू स्टोर, अगर मैं आता तो मैं ये वाला प्रोजेक्ट करता, और चॉइस क्लॉथिंग स्टोर, ये मैं प्रोजेक्ट करता लाजमी, इन में से दोनों में से। हाँ, एक बात बड़ी ज़रूरी बतानी है कि 5 से 10 प्रोजेक्ट लाइन में रखें कि मैं इनमें से चूज़ करने हैं। ये नहीं है कि एक मैंने बस ऑनलाइन हर्बल ही स्टोर करना है, मैंने और कोई नहीं करना, तो इसमें आप रह जाएंगे। कोई पता नहीं 30 लोग इसी पे क्लिक कर दें और आप बैठे हाथ मलते रह जाएं, तो वहाँ टाइम नहीं होता। तो मेरा बहन भाई, ये सोच लें कि आप इन में से जो सामने आ गया ना, तो उसको सामने रखें, इस लिस्ट को। क्रॉकरी ऑनलाइन को बनाना आपने है, PHP आती है, तो भाई मेरे उसकी तरफ मुंह करिएगा। ये ना हो कि बस मैंने कह दिया तो चूज़ कर लिया, मैंने तो नहीं बनाना, बनाना आपने है। तो इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट हर चीज़ पढ़ लें, और मुझे आसान लग रही है, आप भी इसको रीड आउट करके फिर सिलेक्शन कीजिएगा। बाइक जोन आसान प्रोजेक्ट है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरप्राइज ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम आसान है। नीलाम घर आसान है। एफिशिएंट डॉक्टर पेशेंट आसान है। ऑनलाइन ऑन डिमांड फ्यूल डिलीवरी नया प्रोजेक्ट है, आसान है, इसकी तरफ चले जाएँ तो अच्छी बात है। और नेक्स्ट जो है वो 11वां प्रोजेक्ट मेरी तरफ से है, ऑनलाइन बजट प्लानर एप्लीकेशन, बहुत सारे लोगों ने पहले भी बनाया हुआ है। ई सर्विस फैसिलिटी फॉर अ हाउस सोसाइटी, तो ये भी आसान है। होटल मैनेजमेंट बहुत आसान है। लाहौर सिटी, अगर मैं पहले 2-3 कह चुका हूँ, पहले 5 अगर वो हों तो छठा मेरी डिमांड पे ये होगा। नेक्स्ट DO बुक, ड्राइविंग स्कूल, तो ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट में से होंगे। आखिरी 5 और पहले जो थे वो पहले 5, तो ये मेरे 10 मैंने लिस्ट में लाइन अप किया था अगर मैं PHP का होता। एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में से अगर जो चीते हैं वो करना चाह रहे हैं तो वो ये सिलेक्शन कर लें, कम्युनिटी ग्रॉसरी स्टोर, और एंड्रॉयड बेस्ड कार रेंटल ऐप आसान है, ऑनलाइन मेडिकल सिस्टम आसान है। और अगर मैं होता तो मैं कौन सा करता इसमें से, ऑनलाइन बैंक लोन मैनेजमेंट सिस्टम, ग्रॉसरी ऐप, मैंने ये पहले ही वैसे बनाई हुई है। मैंने जब किसी को हेल्प की थी एंड्रॉयड में तो उसका 3.87 आया था, और मैंने जब
ASP.NET में प्रोजेक्ट करवाए थे, तो उनमें 4-4 आया था। स्टूडेंट्स की भाई मेहनत होती है, जिनको हेल्प करें वो खुद लेते हैं, मेरी कोई इसमें, मैं सिर्फ गाइड करता हूँ। उसके बाद PHP वाले ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया था, उसका 2.87 आया था। तो ये नहीं, इनमें से अगर होता तो मैं कौन सा चूज़ करता, मैं ग्रॉसरी ऐप या फिर कार रेंटल वाला। बाकी थोड़े से सुपरवाइज़र इसके खड़ूस होते हैं, वो ये है कि हाई लेवल के है ना, जावक्षा, तो वो थोड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं। तो अगर आप थोड़े वीकर स्टूडेंट हैं मेरी तरह के, तो फिर ना चूज़ करें जावा एंड्रॉयड। और अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ हैं तो गो हिट विद दिस, आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा। एंड्रॉयड ऐप के साथ प्रोजेक्ट करें, आगे आपकी जॉब आपकी वेट कर रही है। एंड्रॉयड बेस्ड रेंटल ऐप, एंड्रॉयड बेस्ड फर्नीचर परचेजिंग एप्लीकेशन, ये मेरा फेवरेट होता अगर मैं करता तो, क्योंकि ऑनलाइन ऐप बनाना, ऑनलाइन स्टोर बनाना मतलब मेरी ग्रिप है। एम्बुलेंस बुकिंग ऐप अच्छा प्रोजेक्ट है, लेंथी है। उसके बाद बाइक जोन आप C# में भी कर सकते हैं और PHP में भी, जैसे आपकी डिमांड है। बाइक जोन और सैनमा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन हॉस्टल, तो ASP या C# के प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हैं। पाइथन और उनके मैंने नहीं लिखे, गालियाँ ना निकाली है, क्योंकि पाइथन वाले बंदे थोड़े एंगुलर। और ओरेकल का एक प्रोजेक्ट पूछ रहे थे, तो ओरेकल का प्रोजेक्ट डेटाबेस का होता है, तो उसमें अगर आपको डेटाबेस बहुत अच्छी आती है तो फिर जा सकते हैं। सुपरवाइज़र से कोऑर्डिनेट करके फिर बात करें, सुपरवाइज़र से लाजमी बात किया करें। मेरे लास्ट वर्ड यही हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको प्रॉपरली वीडियोज़ मिलती रहें, टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू जी।